ये तो गैंग्स गैंग्स के बाद ही हो गया था. गैंग्स के बाद आई थिंक 200 के आसपास मेरे पास स्क्रिप्ट साइन थी. तो अगर उस वक्त पे वो स्क्रिप्ट मैं साइन कर लेता तो आज आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना खड़ा होता मैं. कुशल, जब वक्त आता है तो थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि मैंने मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिनको मैंने बनते हुए भी देखा और फिर नीचे आते हुए भी देखा. रीज़न सिर्फ एक ही था, बहुत अच्छे एक्टर, रीज़न सिर्फ एक था कि पता नहीं किस लालच में फिल्में साइन कर ली कि कर लो शायद फिर ये वक्त आए ना आए. मैंने ऐसा नहीं, वक्त है, अभी टाइम है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, फिल्में भी कहीं नहीं जा रही हैं, है ना, फिल्में भी बनती रहेंगी. तो टाइम लेके करना चाहिए, अगर लंबा जाना है तो थोड़ा वक्त देना पड़ेगा. हाय नवाज, हियर हियर. मुझे नहीं मालूम अभी तो, मैं इतना तो मैं अपने आप को थर्ड पर्सन होके नहीं देख पाता हूँ. मेरा सिर्फ ये है कि भाई मैं मुझे जो टास्क मिलता है मैं उसको जेन्युइनली ऑनेस्टली करने की कोशिश करता हूँ, मैं वहीं तक रहना चाहता हूँ. हाय नवाज, आपके सामने. कैन वी प्लीज आस्क दिस लेडी टू क्वेश्चन प्लीज. है बाबू मोशाय, वो राजेश खन्ना जी की याद दिलाता है सबको, तो क्या उनका कोई एक ऐसा किरदार या एक ऐसी फिल्म जो फ्यूचर में अगर दोबारा बनती है तो आप उस किरदार या फिल्म को में पार्ट बनना चाहेंगे या करना चाहेंगे? बिल्कुल, उनका स्टाइल मुझे बहुत पसंद था और है, पसंद है. अगर उस तरह का स्टाइल की कोई फिल्म होगी तो मैं डेफिनेटली करूँगा. स्किप. ऑफकोर्स बहुत ही गलत है, तो मैं क्या मतलब पूरा देश बोल रहा है यार, बहुत ही गलत बात है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, अनएक्सेप्टेबल है, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. कैन वी लेट दिस गो? नवाज भाई, नवाज भाई यहां पे स्टॉल में. एक्सक्यूज मी, ओवर हियर प्लीज, ओवर हियर प्लीज, लेट हर, लेट दिस लेडी आस्क वंस प्लीज. फिल्म अ जेंटलमैन के साथ रिलीज हो रही है, तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी फिल्म के प्रमोशन? कोई स्ट्रेटजी नहीं. एंड फिल्म की राइटिंग के बारे में कि थोड़ा बताएं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं बहुत बोल्ड है फिल्म. और देखिए, जहाँ तक जेंटलमैन का सवाल है, मतलब ही इज़ नॉट अ जेंटलमैन, सो ही इज़ बेशरम बाबू. एंड सो मुझे लगता है दोनों फिल्में अपने कैपेसिटी पे रिलीज़ होगी और मतलब ऑडियंस, वो ऑडियंस को जो देखना है वो देख लेगी. तो मतलब हम बोल के कुछ कर नहीं, सॉल्व नहीं कर सकते. रही बात राइटिंग के, तो ये सारे जितने भी गालियाँ आपने सुनी होगी तो इन्होंने लिखी हैं. तो नवाज भाई एक सवाल की, वेल वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज, वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज. नवाज भाई एक सवाल, लास्ट क्वेश्चन. हिंदी सिनेमा में और हॉलीवुड में भी, अगर हॉलीवुड की बात करें तो गॉडफादर जैसी फिल्में बनी है, अमेरिकन गैंगस्टर बनी है, हिंदी सिनेमा में सत्या से लेकर कई गैंगस्टर फिल्में बनी है. ऐसा कोई, ऐसी कोई फिल्म गैंगस्टर वाली, ऐसा कोई किरदार गैंगस्टर जो आपको बहुत पसंद हो, जिसे आप बहुत रिवील करते हो, बहुत मानते हो? रिसेंटली मैंने नार्कोस देखा था, अभी सीरीज, वेब सीरीज, तो वो मुझे बहुत पसंद आया था. थैंक यू. हिंदी सिनेमा में कुछ ऐसा? बहुत सारी हिंदी सिनेमा में तो जैसे सत्या है, बहुत सारी फिल्में बनती रहती हैं. कुशांत सर, नेहा दिस साइड, ट्रेलर काफी बोल्ड है, तो आपको डर नहीं है कि सेंसर की कैंची आपकी फिल्म में चल सकती है? ये फिल्म है तो एक मतलब आप एडल्ट ऑडियंस को कैसे रोक सकते हैं कुछ देखने के लिए, तो मैं होप कर रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम हमको नहीं आएगी. और मतलब डर तो है, पर अब स्क्रीनिंग के बाद ही ये पता चलेगा. Okay. We'll just end it with this last question. We will end it with this dialogue, everybody. Popcorn. Popcorn खाई हो कभी? जानते हो कैसे बनता है? मकई को कढ़ाई में डाल के जब भूजा जाता है तो बहुत आवाज करता है. जानते हो क्या है? कहा है कि उसकी फटरी होती है. Thank you, guys. One second. Okay, I like to call on stage the remaining cast of the film. So, Bhagwan, please come in. Anil ji, Murli, Jatin, come up. Jatin ji, Murli ji. And I think, have I missed anybody? Okay, we are opening it to a photo op, so I think you can click pictures, and if you have any questions, you can ask questions as well. Okay, so we close it.
नहीं आती।